Good morning, everyone. Starting with our chapter number 1, meaning and scope of accounting. सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है, दैट इज नीड ऑफ अकाउंटिंग. जो भी बिजनेसमैन है वो इंटरेस्टेड होता है डिफरेंट इंफॉर्मेशन को जानने के लिए जो भी उससे बिजनेस से रिलेट करती है. जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है, कैपिटल लगाता है, उस पर एक्टिविटीज़ करता है ऑल ओवर द ईयर, और लास्ट में वो जानना चाहता है कि उसे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, कितना ड्यूरिंग द ईयर जो उसने एक्टिविटीज़ करी उससे उसे रिजल्ट मिला इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कितना अमाउंट उसके बिजनेस में इन्वेस्टेड है एज अ कैपिटल इन द बिजनेस, अमाउंट कितना उसे रिसीव करना है डेप्टर्स से, कितना उसे पे करना है क्रेडिटर्स को, और इन सब की इंफॉर्मेशन को जानने के लिए ज़रूरी है कि कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाए हर एक ट्रांजैक्शन का जो भी बिजनेस में हो रही है ड्यूरिंग द ईयर. हर एक बिजनेसमैन जो है वो जानना चाहता है कि उसका बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस इंकर कर रहा है. वो कंपैरिजन करता है अपने सेल्स और एक्सपेंसेस का प्रीवियस ईयर से, जो अमाउंट ऑफ सेल है, एक्सपेंसेस है पिछले नंबर ऑफ ईयर्स में, उसे आप याद नहीं रख सकते. उसके लिए आपको उसे रिकॉर्ड करना होगा. रिकॉर्ड करोगे तभी आप उसको कंपेयर कर सकोगे. तो उसके लिए ज़रूरी है कि कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाए सेल्स और एक्सपेंसेस का. सेम तरीके से अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन से एक बिजनेस कर रहा है, क्रेडिट सेल्स कर रहा है, या आप क्रेडिट परचेजेस कर रहे हैं, तो जो आपके डेप्टर्स और क्रेडिटर्स क्रिएट हो रहे हैं, किससे आपको कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, ये सब चीज़ों के लिए आपको मेंटेन करना है अकाउंट्स. ये जो पूरी हमने अभी बातें की, इससे एक चीज़ जो क्लियर निकल के आती है, दैट इज़ अगर आप प्रॉपर रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस का मेंटेन नहीं करते हो तो आप बिजनेस को सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते. तो इसीलिए ज़रूरी है अकाउंटिंग, ताकि आप बिजनेस की इंफॉर्मेशन को प्रॉपर टाइम पे जान सको और उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस बिजनेस को चलाने के लिए फ्यूचर में ले सको. देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग. बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग जो वर्ड है वो दो वर्ड से बना है, एक है बुक और दूसरा है कीपिंग. जब हम अकाउंटिंग के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो बुक का मतलब है वो अकाउंटिंग बुक्स, वो जर्नल्स, वो लेजर्स जहाँ पे आप अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं. कीपिंग का मतलब उसमें रिकॉर्ड करना, राइट करना, मेंटेन करना बिजनेस ट्रांजैक्शन को इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो बुक कीपिंग जो है वो सिर्फ रिकॉर्डिंग तक लिमिटेड है. अकॉर्डिंग टू नॉर्थकॉट, बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनिटरी एस्पेक्ट्स ऑफ कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. बुक कीपिंग का क्या मतलब है? रिकॉर्ड करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है बिजनेस में, मॉनिटरी एस्पेक्ट उसके जो है उसे रिकॉर्ड करना. जैसे आपका जो रूल्स हैं जर्नल एंट्री के, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, देन आपका है ये पर्सनल अकाउंट का रूल था, देन रियल और आर्टिफिशियल अकाउंट्स के लिए रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, देन एक्सपेंसेस और आपके लॉसेस के लिए, प्रॉफिट लॉस के लिए रूल जो आपके फॉलो होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स के लिए, कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस. उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो आप रिकॉर्ड करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसी को हम कहते हैं बुक कीपिंग. नेक्स्ट जो हमारी टर्म है, दैट इज अकाउंटिंग. बुक कीपिंग पार्ट है अकाउंटिंग का, बट जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहीं से अकाउंटिंग शुरू होती है. तो जो स्कोप है अकाउंटिंग का वो वाइडर है देन बुक कीपिंग. अकाउंटिंग वो प्रोसेस है जहाँ पर जो ऑनर है रिकॉर्ड रखता है अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस का मनी फॉर्म में, ताकि जो मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़
प्रॉफिट और लॉस जो है बिजनेस का वो असर्टेन कर पाए एट द एंड ऑफ द ईयर। अकाउंटिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है एक्सटर्नल यूजर्स को, जिस जो बिजनेस के इंफॉर्मेशन जिन्हें चाहिए होती है, जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, डेप्टर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट हो गए। तो अकाउंटिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है मेंटेन करने की बिजनेस ट्रांजेक्शंस को प्रॉपरली, ताकि आप प्रॉफिट और लॉस जो है बिजनेस का वो सर्टेन प्रॉपरली कर सको एट द एंड ऑफ द ईयर। अकॉर्डिंग टू AICPA, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। हमने जो भी ऊपर डेफिनेशन की थी बुक कीपिंग में, वहाँ पे हमने कहा था कि बुक कीपिंग सिर्फ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है, अकाउंटिंग में आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग से आगे चीज़ें आती हैं कि इसमें रिकॉर्डिंग भी होती है, देन क्लासीफाई करते हो, रिकॉर्डिंग में आप जर्नल्स बनाते हैं, देन क्लासीफाइंग में आप लेजर्स बनाते हैं, समराइजिंग में आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। सिर्फ जो मॉनेटरी में जो ट्रांजेक्शंस को आप कन्वर्ट कर सकते हो सिर्फ उन्हीं को आप यहाँ पे लिखते हो, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर। जो फाइनेंशियल करेक्टर के हैं सिर्फ वही ट्रांजेक्शंस यहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। इंटरप्रिटेशन में आप क्या करते हैं, जो भी आपने बैलेंस शीट बनाई है, जो भी आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई है जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं, वहाँ से आप रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो बिजनेस की है वो क्या है, वहाँ से आप इंटरप्रेट करते हो रिजल्ट्स जो आपको बैलेंस शीट से पता चलती है। द नेक्स्ट इज फीचर्स और नेचर और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ये जो हमने डेफिनेशन की है यहीं से करेक्टरिस्टिक और फीचर्स जो हैं अकाउंटिंग के वो निकल के आते हैं। सबसे पहला है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ उन बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिसे आप मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हो। अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा हुआ है जिसे आप मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते तो वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होगी, बिजनेस के अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। जैसे सपोज रेजिग्नेशन किसी एम्प्लॉय ने दिया, या स्ट्राइक की एम्प्लॉयज़ ने, या नया बिजनेस एस्टैब्लिश किया आपके कॉम्पिटिटर्स ने, तो इन ट्रांजेक्शन्स को आप मनी फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, तो इन ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। द नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब है कि जो प्रॉपर रूल्स हैं जो हमने अभी पर्सनल अकाउंट और आपके रियल अकाउंट और जो आपके नॉमिनल अकाउंट के डेबिट क्रेडिट के रूल अभी ऊपर डिस्कस की है, उनके अकॉर्डिंग आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपका स्मॉल बिजनेस है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कम है, तो आप सीधे ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन अगर बड़ा एंटरप्राइज है, बड़ा बिजनेस है, तो जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो भी ज़्यादा होंगी, तो आप जर्नल को डिवाइड कर देते हो आगे फर्दर सब्सिडरी बुक्स में, और ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करते हो सब्सिडरी बुक्स में। जैसे कैश ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड करते हो कैश बुक में, क्रेडिट परचेजेस आप रिकॉर्ड करते हो परचेज बुक में, और जो ये बुक्स होती हैं इन्हें ओरिजिनल बुक्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्लासीफाइंग। ओरिजिनल बुक्स में रिकॉर्ड करने के बाद आप उन्हें क्लासीफाई करते हो। क्लासीफाई किस तरीके से करते हो कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन सेम नेचर की है उन्हें आप एक जगह पर एक अकाउंट में लिखते हो, और ये जो बुक है जिसे आप डिवाइड कर रहे हो, जहाँ पे आप एक ही जगह पर एक अकाउंट को लिख रहे हो, उसी को हम लेजर कहते हैं। तो लेजर जो है सेपरेट अकाउंट्स आप बनाते हो, सभी इंडिविजुअल्स के सेपरेट अकाउंट, एसेट्स के सेपरेट अकाउंट, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस के सेपरेट अकाउंट्स जो आप बुक्स में मेंटेन कर रहे हो, उन्हीं को लेजर कहा जाता है। नेक्स्ट इज योर समराइजिंग। समराइजिंग अगला फीचर है आपका अकाउंटिंग का। समराइजिंग में हम क्या करते हैं, लेजर्स आपने बना लिए, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जहाँ पर जो भी लेजर अकाउंट्स के आपके बैलेंसेस हैं उनसे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो
जो आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो दैट इज फॉर्म ऑफ समराइजिंग। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे आप प्रिपेयर करते हैं अपने फाइनल अकाउंट्स, जिसमें इंक्लूड होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो किस लिए बनाया जाता है, ताकि आप क्रॉस प्रॉफिट और लॉस जान सको। प्रॉफिट एंड लॉस आप अकाउंट जो बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं ताकि आपको नेट प्रॉफिट या लॉस ड्यूरिंग द ईयर पता चल सके। देन बैलेंस शीट आप बनाते हैं किस पर्पस के लिए, बिजनेस की एक पर्टिकुलर डेट पर फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसे जानने के लिए। तो ये जो अबव कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े अकाउंटिंग के, इसी को अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल भी कहा जाता है। यहाँ डायग्राम में आप इसके थ्रू देख सकते हैं कि सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उन्हें आप रिकॉर्ड कर रहे हैं जर्नल में, और जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जिसे आप कहते हैं, आप जर्नल को डिवाइड भी कर सकते हैं डिफरेंट सब्सट्री बुक्स में, जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेजेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। जर्नल के बाद उन्हें आप रिकॉर्ड करते हैं लेजर में, लेजर से आप बनाते हैं ट्रायल बैलेंस को, ट्रायल बैलेंस से बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंस शीट, देन बैलेंस शीट जो है अकाउंटिंग का लास्ट प्रोसेस होता है, और इसके बाद आप जो है इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो यही जो आपने डायग्राम देखा दैट इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस की जो साइकिल ऑफ अकाउंटिंग है। देन नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। जो अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर है अकाउंटिंग का, दैट इज हर एक जो आपकी ट्रांजेक्शन है जो भी आप रिकॉर्ड करते हो वो इन द फॉर्म ऑफ मनी जो है उसी को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे सपोज एक ट्रेडर है, उसने 200 टेबल्स खरीदे, 200 टेबल्स उसने कितने के खरीदे, 50,000 के लिए। तो जो मनी वैल्यू है इन टेबल्स की दैट इज 50,000 रुपीज़, इसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे अगर एक ट्रेडर है उसके पास 5,000 कैश है, 1,000 यार्ड लैंड है, 10 ट्रक्स हैं, 2 मशीन्स हैं, 5 टन रॉ मटेरियल है, 200 टेबल्स हैं, तो यहाँ पे आप इसे एज इट इज रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपको इन सबको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मनी फॉर्म में, उसके बाद आप इसे रिकॉर्ड करते हो। जैसे 5,000 कैश ऑलरेडी मनी फॉर्म में है, जो 1,000 यार्ड लैंड है आपकी वो कितने की है मनी फॉर्म में, 20 लाख रुपीज़ की है। सेम तरीके से 10 ट्रक्स हैं तो 1,50,000 के हैं, मशीन्स हैं तो 2,28,000 की है, रॉ मटेरियल जो 5 टन है वो 18,000 का है, या 200 टेबल्स जो हैं आपके 3,500 के हैं। तो अब ये जो मॉनेटरी रुपीज़ में आपने इसे कन्वर्ट किया, इसकी टोटल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट इज़ योर इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं अकाउंटिंग के, वो एंड यूज़र जो है उन्हें अपने नीड के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करता है। और उसमें कौन कौन आ जाते हैं एंड यूज़र्स में, आपका ऑनर बिजनेस का मैनेजर, बैंकर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज एसेट्रा। जो फाइनेंशियल कंडीशन और प्रॉफिटेबिलिटी है बिजनेस की, वो उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और बैलेंस शीट से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो सबसे पहले जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है दैट इज ओरिजिन। जो बुक कीपिंग है फर्स्ट स्टेप है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और जो अकाउंटिंग है वो सेकेंड स्टेप है। बुक कीपिंग का पर्पस क्या होता है, प्राइमरी रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, और अकाउंटिंग का पर्पस होता है प्रॉफिट एंड लॉस को जानना और फाइनेंशियल पोजिशन को जानना बाई प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। देन नॉलेज की बात करें तो बुक कीपिंग करने के लिए आपको जो नॉलेज है वो बेसिक नॉलेज आनी चाहिए। जो आपके रूल्स होते हैं जर्नल एंट्री करने के वो आपको पता होने चाहिए, और जो वर्क है आप अकाउंटिंग मशीन्स और कंप्यूटर से भी कंप्लीट ये कर सकते हैं। जबकि अकाउंटिंग के लिए आपको एफिशिएंट एंड ट्रेन्ड पर्सन्स चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप इसके लिए अपॉइंट करते हैं। देन स्कोप की बात करें तो बुक कीपिंग का स्कोप लिमिटेड है, इसमें सिर्फ जर्नल, सबस्ट्री बुक्स और लेजर में पोस्टिंग का जो वर्क है वो आता है। जबकि अकाउंटिंग जो है उसका स्कोप वाइड है, इसमें एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रायल बैलेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स आता है। टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग की बात करें तो ट्रांजेक्शन्स वो सेम डे जब वो हो रही हैं तब रिकॉर्ड की जाती हैं इन केस ऑफ बुक कीपिंग, जबकि अकाउंटिंग बुक कीपिंग के बाद शुरू होती है और फाइनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर किए जाते हैं। फाइनल अकाउंट्स बुक कीपिंग में इंक्लूड नहीं होते, अकाउंटिंग में फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड
होते हैं. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.